दोस्तों एक दिन पुष्पा रात के वक्त अपने कमरे में सो रही थी। अब आधी रात को लगभग रात के 12 बजे के करीब पुष्पा अपने भतीजे को आवाज लगाती है और कहती है कि अर्जुन जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। दोस्तों अब जो अर्जुन था वो तुरंत अपने कमरे से निकलकर जाता है अपने चाची के कमरे में और अपनी चाची से कहता है कि जी चाची जी कहिए क्या बात है। दोस्तों अब जो पुष्पा थी वो कहती है कि अर्जुन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा मेरे सर का क्या मसाज कर दोगे। दोस्तों अब अर्जुन यह बात सुनकर दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कैसी मेरी चाची है जो अपने भतीजे से ही यह सब करने को कह रही है। लेकिन दोस्तों जो अर्जुन था उसकी हिम्मत नहीं थी अपनी चाची से कुछ कहने की। अब जो अर्जुन था तेल का बोतल लेता है और अपनी चाची के सर पे मसाज करने लगता है। दोस्तों मसाज करने के दौरान अब पुष्पा को बहुत ही अच्छा लगने लगा था। अब रोजाना रात को पुष्पा अपने भतीजे को बुलाती और अपने भतीजे से मसाज करवाने लगती। दोस्तों ऐसा करते करते वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दिन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं। पुष्पा अपने ही भतीजे के साथ संबंध बना लेती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक लड़की थी पुष्पा। पुष्पा के परिवार में उसके माता पिता और पुष्पा का एक बड़ा भाई था। पुष्पा के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे और उनका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। दोस्तों जो पुष्पा थी उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई थी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो घर पर ही बैठी हुई थी। लेकिन दोस्तों जो पुष्पा थी उसकी एक गलत आदत लग चुकी थी। पुष्पा अपने ही गाँव के एक लड़के के साथ प्यार कर बैठी थी। दोस्तों उस लड़के के बारे में पुष्पा के माता पिता अच्छे से जानते थे कि वो लड़का कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। दोस्तों जिस लड़के से पुष्पा प्यार करती थी उस लड़के में ऐसी कोई गंदी आदत नहीं जो उस लड़के में ना हो। वो हर तरह की नशे किया करता था और गांव का बहुत ही बिगड़ा लड़का था। दोस्तों अब उसी लड़के से पुष्पा को प्यार हो जाता है और उस लड़के से वो बाहर मिलना जुलना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में हीर और रांझे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की खबर धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल जाती है और एक दिन पुष्पा के पिता का ही दोस्त पुष्पा के पिता के पास आते हैं और उसके बारे में सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को हो क्या गया है, वो कैसे कैसे लड़कों के साथ घूमती है, उसके बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही है। दोस्तों जब यह बात पुष्पा के पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पुष्पा के पिता जाते हैं पुष्पा के पास और उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। दोस्तों अब जो पुष्पा थी वो एकदम निडर होकर अपने पापा से कहती है कि जी पापा ये बात सच है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों पुष्पा के पिता भी उसी वक्त कह देते हैं कि तुम कितना भी कोशिश कर लो हम तुम्हारी शादी उस लड़के से हरगिज नहीं करेंगे। दोस्तों अब उसके अगले ही दिन से पुष्पा के पिता उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी में एक लड़का उनको मिल जाता है। उस लड़के का नाम होता है रमेश। दोस्तों जब पुष्पा के पिता देखते ही रमेश से मिलते हैं तो पुष्पा के पिता को वो लड़का बहुत पसंद आ जाता है। अब वहीं पर पुष्पा की शादी की तारीख रख दी जाती है। दोस्तों जो पुष्पा के पिता थे बहुत जल्दबाजी में थे। लगभग एक महीने के बाद ही पुष्पा की शादी शॉर्टकट में मंदिर में ले जाकर रमेश से कर दी जाती है। दोस्तों अब जब पुष्पा थी वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। जब पुष्पा अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि जो उसका परिवार है वो बहुत छोटा है। पुष्पा के ससुराल में उसके पति रमेश के उस घर में पुष्पा का एक भतीजा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की भी उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी, वो भी जवान लड़का ही था। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, पुष्पा अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक हफ्ते का वक्त गुजरता है अब जो पुष्पा का पति था रमेश वो अपनी बीवी से कहता है कि पुष्पा तुम्हें तो पता ही है कि मैं विदेश में रहता हूँ और मैं एक हफ्ते की छुट्टी के लिए ही आया था। अब एक हफ्ता पूरा हो गया है, कल मेरा टिकट है और मैं विदेश जा रहा हूँ। और वहीं पर अर्जुन भी बैठा हुआ था। अब जो रमेश था वो अपने भतीजे से कहता है कि देखो अर्जुन तुम तो अच्छे से जानते हो इस घर की जिम्मेदारी को, इस घर में क्या आता है नहीं आता है, कहां से राशन लाना है, कहां से कौन कौन सी चीजें लानी है, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम इस घर का अच्छे से ख्याल रखना और साथ ही साथ अपनी चाची का भी ख्याल रखना और जितने रुपए लगेंगे मैं तुम्हें हर महीने भेज दिया करूंगा।
और दोस्तों रमेश अपने भतीजे से कहता है कि बस तुम अपनी चाची और अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। दोस्तों जो अर्जुन था वो भी अपने चाचा की सारी बातों को मान लेता है, क्योंकि जो अर्जुन था वो कमाता नहीं था, वो अपने चाचा के ही टुकड़ों पर पलता था। वो भी अपने चाचा की सारी बातों को मान लेता है और कहता है कि जी चाचा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं चाची जी का पूरा ख्याल रखूंगा। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जो रमेश था अपना सारा सामान पैक करता है और निकल जाता है विदेश के लिए। दोस्तों उधर जो रमेश था वो विदेश चला गया था, घर में बच गई थी पुष्पा और उसका भतीजा अर्जुन। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। कुछ दिनों तक तो रमेश अपनी बीवी से फोन पर बात करता है, लेकिन दोस्तों एक महीना बीतने के बाद अब जो रमेश था अपनी बीवी से बात करना बंद कर देता है। अब अपनी बीवी को मैसेज या कॉल कुछ नहीं किया करता था। दोस्तों इधर जो पुष्पा थी वो बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने पति को याद कर कर के रोती थी। घर में सारा दिन काम करती थी लेकिन वो अपने पति को ही याद किया करती थी। इस तरह से पुष्पा बहुत परेशान हो गई थी। वो आए दिन अपने कमरे में बैठ कर छुप छुप कर रोया करती थी। दोस्तों उधर जो अर्जुन था वो हमेशा अपनी चाची को छुप छुप कर देखा करता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी चाची को टोके या फिर उससे कुछ बातचीत करे। जब भी पुष्पा को किसी भी चीज की जरूरत होती थी अर्जुन को कहती थी, अर्जुन उसको मार्केट से लाकर दे दिया करता था। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उन 6 महीनों में पुष्पा का पति सिर्फ सामने के 1 महीने ही अपनी बीवी से बात करता है। उसके बाद अपनी बीवी को कॉल मैसेज करना एकदम से भूल ही जाता है। 5 महीने हो गए थे लेकिन पुष्पा का पति ना तो उसे कॉल करता था ना ही मैसेज में बातें किया करता था। जब भी पुष्पा इधर से कॉल करती उसका पति कॉल नहीं उठाता था। दोस्तों अब इस वजह से भी पुष्पा काफी परेशान हो जाती है। एक दिन रात के वक्त पुष्पा खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में सो रही थी। दोस्तों अचानक से पुष्पा का पति रमेश कॉल करता है। अब पुष्पा एकदम से खुश हो जाती है, अपने पति का कॉल उठाती है और बात करने लगती है। दोस्तों बात करने के दौरान पुष्पा कहती है कि क्या बात है, आप इतने दिनों से कॉल नहीं किए हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या फिर आप मुझसे नाराज हैं। दोस्तों जो पुष्पा का पति था रमेश वो कहता है कि नहीं पुष्पा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए कॉल किया हूँ। दरअसल मैं वहां से जब आया तो यहाँ मैं किसी लड़की से शादी कर लिया हूँ और मैं यहीं रहूंगा अब, इसलिए मैं घर भी नहीं आ रहा हूँ और ना ही तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की थी क्योंकि मेरे भतीजे के लिए कोई देख रेख के लिए उस घर में आ जाए, बस इसलिए मैं तुमसे शादी की थी। और ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा शादी करने का, क्योंकि मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता था और उसी से मैं शादी कर चुका हूँ। अब मैं कभी भी घर नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खर्चे नहीं भेजूंगा। हर महीने तुम्हारा जो खर्चा है और अर्जुन का खर्चा है वो मैं भेज दिया करूंगा, लेकिन मैं दोबारा कभी अब गांव नहीं आऊंगा। दोस्तों जब पुष्पा यह बात सुनती है तो अपने पति का फोन रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब वो किससे अपना दर्द बताएगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो घुट घुट कर रहने लगी थी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जिस दिन से पुष्पा का पति उसे यह सच्चाई बताई थी उस दिन से पुष्पा और उदास रहने लगी थी। ना तो उसका घर में मन लगता था ना ही कामकाज में मन लगता था और वो खाना पीना तो एकदम से छोड़ ही दी थी। धीरे धीरे पुष्पा एकदम कमजोर हो जाती है। अब एक दिन रात के वक्त पुष्पा अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन दोस्तों उस रात अचानक से पुष्पा के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। अब उसी वक्त पुष्पा अपने भतीजे अर्जुन को आवाज लगाती है और कहती है कि अर्जुन जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। दोस्तों जो अर्जुन था वो भी अपने कमरे में जागा हुआ ही था। अब वो तुरंत अपनी चाची के कमरे में आता है और बाहर से ही आवाज लगाता है कि चाची क्या मैं अंदर आ जाऊं। दोस्तों जो पुष्पा थी वो कहती है कि हाँ अर्जुन तुम अंदर आ जाओ। जब अर्जुन अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखने के बाद उसकी चाची की जो हालत थी वो देखने के बाद शर्म से निगाहें नीचे झुका लेता है। दोस्तों दरअसल जो पुष्पा थी वो हमेशा अपने भतीजे से पर्दा किया करती थी, हमेशा अपने तन पर दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन उस वक्त पुष्पा के तन पर दुपट्टा नहीं था और वैसे ही लेटी हुई थी। अब जो अर्जुन था एकदम से शर्मा जाता है। अब पुष्पा कहती है कि अर्जुन तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो, मैं तुम्हारी चाची ही हूँ, आ जाओ मेरे पास। दोस्तों उसके बाद पुष्पा कहती है अपने भतीजे से कि देखो अर्जुन, हम दोनों ही इस घर में रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख में साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, हम दोनों को यहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं है, तो बस तुम इतना शर्माओ मत। दरअसल मैं तुम्हें इसलिए
यहाँ बुलाई हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सर का मसाज कर दो। तुम्हारे चाचा कहते थे कि तुम सर का मसाज बहुत ही अच्छे से करते हो। दोस्तों, जब यह बात अर्जुन सुनता है तो एकदम से दंग रह जाता है और अपनी चाची को ही देखने लगता है। मन ही मन अर्जुन सोचता है कि ये कैसी औरत है जो अपने भतीजे से ही यह सब काम करवा रही है। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने चाची से कुछ कहे, क्योंकि जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी उसकी चाची उसे बेझिझक निकाल कर दे दिया करती थी। दोस्तों, अब अर्जुन कहता है कि ठीक है चाची, आप बैठिए, मैं आपका सर मसाज कर देता हूँ। अब वहीं पर कटोरा में तेल रखा हुआ था। अर्जुन तेल को लेता है और अपनी चाची के सर का मसाज करने लगता है। दोस्तों, लगभग आधे घंटे मसाज करने के बाद अब जो पुष्पा थी वो गहरी नींद में चली गई थी। जब अर्जुन देखता है कि उसकी चाची सो गई है, वो भी उस कमरे का लाइट ऑफ कर देता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। सुबह सुबह के वक्त पुष्पा किचन में रोटी बना रही थी अर्जुन के लिए। अब अर्जुन जब उठ के आता है किचन में तो देखता है कि उसकी चाची रोटी बना रही है। दोस्तों, अब उसी वक्त पुष्पा अर्जुन को देखने के बाद कहती है कि अर्जुन, तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल रात जो तुमने मेरे सर का मसाज किया उसके बाद मेरे सर का जो दर्द है वो एकदम से गायब हो गया है और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई है। दोस्तों, अब जो अर्जुन था वो कहता है कि चाची, दरअसल आप काम कुछ ज्यादा करती है घर में, इस वजह से आपके सर में दर्द हो जाता है और आप इतनी थक जाती हो। आप ऐसा करो कि एक नौकरानी रख लो घर में काम करने के लिए, इससे आपके सर में दर्द नहीं होगा और आप थकोगी नहीं। दोस्तों, इस बात पर पुष्पा कहती है कि मेरे सर का दर्द तो तभी खत्म होगा जब मेरा पति मेरे पास आएगा विदेश से। दोस्तों, इस तरह से पुष्पा अपने भतीजे को कुछ हिंट्स देती है, लेकिन वो लड़का पुष्पा की बातों को समझता ही नहीं है। वो चुपचाप से नाश्ता करता है और चला जाता है अपने कमरे में। दोस्तों, अब जो पुष्पा थी वो अपने काम में बिजी हो जाती है। नाश्ता बनाने के बाद वो चली जाती है कपड़ा धोने के लिए। बहुत सारा कपड़ा धोती है। कपड़ा धोने के बाद उस कपड़े को एक बाल्टीन में लेती है और फिर वो छत पे जा रही थी सीढ़ियों से। दोस्तों, उसी दौरान अर्जुन अपने कमरे से निकलता और अपनी चाची को देख लेता है कपड़े ले जाते हुए। अर्जुन उसको देख कर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि उसमें सारे कपड़े अर्जुन के ही थे। अब अर्जुन दौड़ता हुआ अपनी चाची के पास जाता है और कहता है कि चाची जी, लाइए मैं ले जाता हूँ ये छत पर। अब चाची के साथ वो छत पे जाता है और अपनी चाची के साथ उस कपड़े को तार पे सुखाने लगता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। अर्जुन अपने कमरे से निकलता है और अपने चाची को ढूंढने लगता है। उसकी चाची ना तो किचन में थी ना ही आंगन में थी। अब अर्जुन जाता है चाची के कमरे में। जब वो चाची के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी चाची रो रही है घूट घूट कर। दोस्तों, अब उसी वक्त अर्जुन आता है अपने कमरे में और सबसे पहले वो अपने चाचा को फोन करता है और फोन करके कहता है कि चाचा, अब कब आ रहे हैं घर। अब जब ऐसा उसका चाचा सुनता है तो कहता है कि क्या बात है अर्जुन, घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। अब अर्जुन कहता है कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन चाची आपको याद करके दिन रात रोती रहती है, वो सिर्फ आपको मिस करती है, आप कब आएंगे उनके पास। दोस्तों, जो अर्जुन का चाचा था वो रमेश कुछ बहाना बनाता है और फोन को कट कर देता है। उसके बाद फिर से अर्जुन जाता है अपनी चाची के कमरे में और कहता है कि चाची, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, कि आप एक कप चाय बना दोगी। दोस्तों, अब उसी वक्त पुष्पा चली जाती है किचन में, अर्जुन के लिए चाय बनाती है, चाय बनाकर उसको दे देती है और वो फिर से रात के खाना का तैयारी करने लगती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे रात हो जाती है, खाना बनकर तैयार हो जाता है। अर्जुन अपनी चाची के साथ बैठकर खाना वगैरह खाता है और दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन रात के 10 बजे के करीब अर्जुन चुपचाप फिर से अपनी चाची के कमरे में चला जाता है और अपनी चाची के सर का मसाज करने लगता है। अब जब बिन बुलाया अर्जुन अपनी चाची के कमरे में जाता है तो उसकी चाची पुष्पा बहुत खुश होती है और अर्जुन को तेल देती है और कहती है कि ठीक है अर्जुन, लो मेरे सर का मसाज कर दो। दोस्तों, अब उस रात भी अर्जुन अपनी चाची का अच्छे से मसाज करता है। उसकी चाची को गहरी नींद आ जाती है और फिर से चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। दोस्तों, अब इसी तरह से लगभग एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। अब एक हफ्ते के बाद एक दिन फिर से रात के लगभग 11:30 बजे के करीब अर्जुन की चाची अर्जुन को आवाज लगाती है और कहती है कि अर्जुन, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। अब जो अर्जुन था वो भी भागता हुआ आ जाता है अपनी चाची के कमरे में और कहता है कि जी चाची, कहिए क्या बात है। अब जो अर्जुन की चाची थी वो कहती है कि अर्जुन, पहले लाइट ऑफ कर दो।
दोस्तों जब इस बात को अर्जुन सुनता है तो एकदम से दंग रह जाता है, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अर्जुन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर लाइट ऑफ करने को क्यों कह रही है चाची। अब उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। अर्जुन चुपचाप वहीं पर खड़ा था, वो इधर से उधर हिल भी नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों जो पुष्पा थी वो अर्जुन को आंख दिखाने लगती है और कहती है कि मैंने क्या कहा, बस वो करो। दोस्तों अब जो अर्जुन था वो चाची से डर जाता है और चुपचाप जाकर लाइट को ऑफ कर देता है। उसके बाद कहता है कि जी चाची जी कहिए क्या बात है। दोस्तों उसके बाद पुष्पा कहती है कि अर्जुन दरअसल जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उस बात को मैं फेस दिखाकर कभी नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा लाइट को ऑफ कर दो। दोस्तों अर्जुन कहता है कि चाची ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, मुझे फेस टू फेस बात नहीं करना चाहती। दोस्तों अब जो पुष्पा थी वो कहती है कि अर्जुन दरअसल देखो तुम्हारे जो चाचा है रमेश वो विदेश में जाकर दूसरी शादी कर लिए हैं, उन्होंने मुझे यह बात बहुत पहले ही बताई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि इस बात को मैं किसी से शेयर करूं और वो दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी हम दोनों के ऊपर वो उठा रहे हैं, हर महीने वो पैसे भेज देंगे लेकिन वो कभी दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। दोस्तों जब यह बात अर्जुन सुनता है तो वो भी दंग रह जाता है और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसके चाचा ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों उसके बाद पुष्पा कहती है कि देखो अर्जुन मुझे लड़कों का बहुत शौक है, मैं शादी से पहले बहुत सारे लड़कों से प्यार कर चुकी हूँ और मैं एक लड़के से सच्चा प्यार भी करती थी, उससे शादी करने का मेरा इरादा था लेकिन मेरे माता पिता उससे शादी नहीं करवाई मेरी, तुम्हारे चाचा से करवा दी। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि शादी के बाद एक लड़की की क्या ख्वाहिश होती है, वह अपने पति से क्या चाहती है, लेकिन तुम्हारे चाचा ने तो मुझे वो भी पूरा करके नहीं दिया। तुम्हारे चाचा शादी के एक हफ्ते बाद ही चले गए और वो ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो पाई है। और अर्जुन धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? और दोस्तों उसके बाद पुष्पा अर्जुन से कहती है कि क्या अर्जुन तुम भी मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। दोस्तों उसके बाद अर्जुन अपनी चाची से कहता है कि चाची मैं तो आपको उसी दिन पसंद करने लगा था जिस दिन आप पहली बार मुझे सर का मसाज करने के लिए बोली थी, लेकिन मैं आपको कैसे कह सकता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है, रिश्ते में बड़ी है और आप मेरी चाची लगती है, भला मैं आपको ऐसा कैसे कह सकता था, बस इसीलिए मैं चुप था। अगर आप चाहती है मुझे और आप मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको चाचा से तलाक लेना होगा, अगर आप उससे तलाक ले लेती हो उसके बाद मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब इस तरह से उन दोनों के बीच में बात सॉर्ट आउट हो जाती है, दोनों अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उसी दिन से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों अब इस तरह से उन दोनों के बीच में बात शुरू हो जाती है और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर बहुत खुश थे, खास करके पुष्पा अपने ही भतीजे के साथ संबंध बना के बेहद खुश थी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लगभग 6 महीने का वक्त और गुजर जाता है। 6 महीने के बाद पुष्पा अपने पति रमेश से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अब जब पुष्पा थी अपने भतीजे अर्जुन के साथ मंदिर में जाकर शॉर्टकट में शादी कर लेती है और शादी करने से पहले पुष्पा अपने माँ बाप को सारी बातें बता चुकी थी और पुष्पा के माँ बाप को भी कोई ऐतराज नहीं था उन दोनों के रिश्ते से। और दोस्तों पुष्पा अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक ही अर्जुन से शादी करती है और अर्जुन के साथ अपनी गृहस्थी बसा लेती है। और दोस्तों जो अर्जुन था उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 महीने के बाद ही अर्जुन को अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। नौकरी पाकर और पुष्पा से शादी कर अर्जुन की जिंदगी भी बन गई थी, वो भी पुष्पा के साथ अब बहुत खुश रहने लगा था, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। 1 साल के बाद पुष्पा एक बेटी को जन्म देती है। उस बेटी के घर में आने से उन दोनों की जिंदगी में और भी खुशियां ज्यादा गई थी। दोस्तों फिलहाल वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश है और अपने बेटे के साथ वो दोनों अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करना है। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं।
मोहम्मद कलाम बेंगलोर से, रमेश कुमार बहराइच उत्तर प्रदेश से, जसराज गोदारा अफ्रीका से, सोनू गुप्ता गुजरात से, जेएस चौधरी द्वारिका नई दिल्ली से, अतीकुर शेख असम से, फैयाज अंसारी केरला से, अविनाश देशमुख पुणे से, श्याम प्रकाश कुशवाहा पत्नी सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, भोजपुरी गीतकार मिंटू रंजन औरंगाबाद बिहार से, मोहम्मद हनीफ और प्रेम कुमार हैदराबाद से, अब्दुल मन्नान बिलासपुर से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, बादशाह भाई महाराष्ट्र से, चरण सिंह बागपत से, राज किशोर चौरसिया महाराष्ट्र से, मेराज अहमद उत्तर प्रदेश से, हरलेखा मुखिया बिहार से, सुरेश साहू मुंबई से, नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।